हम लोग एपॉक्सी ग्राउट का एप्लीकेशन करेंगे जो टॉइल जॉइंट्स के बीच में लगता है। नॉर्मली एपॉक्सी ग्राउट वेट एरियाज में यूज होता है, जैसे बालकनी, बाथरूम, स्विमिंग पूल वगैरह के लिए। तो इसमें हम लोग आज एप्लीकेशन करेंगे कैराकोल का फोगालाइट। फोगालाइट दो वेरियंट्स में आता है, एक 1 kg का और एक 3 kg वाला। इसमें एक फोगालाइट बायो बोल के आता है जो आप एक्सटर्नल एरियाज एक्सपोज टू सनलाइट यूज कर सकते हैं। ये यूवी रेजिस्टेंट है, वाटर बेस्ड एपॉक्सी है। इसका मिक्सिंग रेशियो 1:2 है। अगर एक स्पून आप पार्टनर ले रहे हो तो 2 स्पून आपको रेजिन लेना है। सेम वेरियंट्स में एक आता है फोगालाइट इनविजिबल। फोगालाइट इनविजिबल सेमी ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी है जो आपको ग्लास मोज़ेक पे, टाइल्स पे यूज करने के लिए सेमी ट्रांसपेरेंसी कलर्स का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे फोगालाइट इनविजिबल का एप्लीकेशन। ये 28 कलर्स में आता है। अगर आप देखेंगे तो ये 28 कलर्स है। जो भी आपका क्लोज मैचिंग कलर है टाइल्स का आप वो यूज कर सकते हो। इसमें ग्लिटर, सिल्वर और गोल्ड आता है जो एपॉक्सी में आप मिक्स कर सकते हो। ये इनविजिबल है। ये एप्लीकेशन हम लोग आज करेंगे जो सेमी ट्रांसपेरेंट है, जो ये इनविजिबल है, जो आपको सेमी ट्रांसपेरेंसी लाइट रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा। ठीक है, यू शुड राइट योर नेम मैन राइटिंग इन दिस। इनविजिबल में आपको क्लीनिंग के लिए एक स्पंज आता है, ये मेजरमेंट कैन है हार्डनर के लिए, और ये ग्लोव्स है। आपको कंपलसरी ग्लोव्स पहन के एप्लीकेशन करना है। ये ग्लोव्स, ये हार्डनर, और एक जब भी आप फोगालाइट का बॉक्स लोगे उसके अंदर आपको कूपन आएगा। ये कूपन आप पेटीएम से या फिर नॉर्मल मोबाइल स्कैनर से डाउनलोड कर सकते हो। आपका ओटीपी, आधार कार्ड से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नियर बाय कोई डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स पर्सन से आप एक कोड पहले अपना रजिस्टर करके मोबाइल में, उसके बाद जो भी आप फोगालाइट यूज करोगे उसके साथ आपको कोटन कोड बोनस पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। तो जो भी आप फोगालाइट का लोगे बॉक्स ओपन करते ही इसके अंदर आपको एक स्पंज आएगा क्लीन करने के लिए, और ये मेजरमेंट कैन है, और एक हार्डनर आएगा। इसके साथ रेजिन रहता है 3 kg के बॉक्स में, 2.82 और 180 ml का हार्डनर बॉक्स आएगा इसके साथ। तो अभी हम लोग फोगालाइट इको का एप्लीकेशन करेंगे। मिक्सिंग कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, तो अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। टूल्स इंपॉर्टेंट है। टूल्स आप नॉर्मली पट्टी ब्लेड साइड पे यूज करते हो, ये रबर फ्लोटर यूज कर लो ताकि इसमें आपका डैमेज नहीं होगा। एग्जिस्टिंग टाइल सरफेस स्क्रैचेस वगैरह डैमेज नहीं होगा। रबर टूल से इजीली आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी मिक्सिंग रेशियो देखने के लिए अभी इसके साथ जो मेजरमेंट क्या आता है, नॉर्मली 180 ml को आप रेजिन में 4 हिस्से करके एक हिस्सा विद 45 ml भी मिक्स कर सकते हो, या फिर आपको जो मेजरमेंट क्या है इसमें रेजिन लेना है, जो कलर्ड का पेस्ट आता है ना वो एक फुल जार लेना है, और इसके साथ जो आप मिक्स करोगे हार्डनर, ये हार्डनर है, हार्डनर को अच्छे से शेक करके इसके ऊपर जो ढक्कन है ये ढक्कन से 2 ढक्कन हार्डनर, तो रेजिन हो गया आपका 1 कैन और हार्डनर हो गया 2 ढक्कन। तो अभी ग्लोव्स आपको कंपलसरी पहनना है, क्योंकि क्या होता है हर एक का इंसान जो है स्किन सेंसिटिव रहता है, तो ये इससे कुछ ताकि रिएक्शन ना हो, आपकी सेफ्टी के लिए आपको ग्लोव्स पहनना ही है। बकेट में आपको ग्लोव्स भी मिलेगा। तो ये हाँ, एक मेजरमेंट कैन हमने रेजिन लिया है, ये 28 कलर्स में आता है। हार्डनर को अच्छे से आपको शेक करना है। फिर इससे 2 ढक्कन हार्डनर, 1 और ये 2, क्योंकि एपॉक्सी में क्या होता है नॉर्मली जितना भी हम लोग मिक्स करते हैं वो एक 15-20 मिनट में यूज नहीं करते, तो वो सेटिंग और हार्डनिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लोगे आपको एप्लीकेशन में भी ईज हो जाएगा और सेटिंग के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। तो 3 kg में ये रेशियो से अगर आप फॉलो करते हो तो एक साइड से एप्लीकेशन करते वक्त मिक्सिंग करके सेकेंड उसके ऊपर आपको क्लीन भी करना है, क्योंकि आपके पास 15 मिनट टाइम है। एप्लीकेशन होने के बाद 15 मिनट में आपको स्पंज से क्लीन करना है। ध्यान रहे मिक्सिंग अच्छे से हो, हार्डनर और आपका रेजिन अच्छे से मिक्स हो। जब आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो एपॉक्सी ग्राउट का, तो ध्यान रहे आप पहले सोप वॉश या एसिड वॉश करने के 4-5 से 7 दिन के बाद
मिनिमम, क्योंकि ताकि पूरा मॉइस्चर जो रहे अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाए, उसके बाद आपको एपॉक्सी का अप्लीकेशन करना है। नॉर्मल में साइट पे क्या होता है, हम लोग अप्लीकेशन जल्दी में करते हैं, अरे आज क्लीन करना है, कल अप्लीकेशन करना है, उससे सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, एपॉक्सी सेट नहीं होगा। एक मिक्सिंग रेशियो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड, आपको जब आप एसिड वॉश वगैरह करते हो तो वाटर वगैरह इवेपोरेट होने के लिए आपको 6 से 7 दिन का टाइम देना है। नॉर्मल अब जब मार्बल पे या मैट फिनिश टाइल पे या फिर सेंसिटिव स्टोन पे करते हो या ग्रेनाइट पे करते हो, तो आपको मास्किंग टेप लगा के भी आप कर सकते हो। जॉइंट्स पे आप मास्किंग टेप लगाओ, उसके बाद उसके ऊपर आप एपॉक्सी एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन करते वक्त आपको एपॉक्सी रबर फ्लोटर से करना है। ध्यान रहे, रबर फ्लोटर आप टेढ़ा इस्तेमाल करें और एपॉक्सी को अच्छे से अंदर प्रेस कर लें। आप देख सकते हो फ्लोएबल इजी है, आपको लगाने में आसानी है, ज़्यादा रिजिड नहीं है, मिक्सिंग एकदम इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्ट पेस्ट फॉर्म में मिलेगा, बस हार्डनर लगा के एप्लीकेशन करना है। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ है, कितना कंसिस्टेंट है। इवन नॉर्मल आप एपॉक्सी ग्रोट जो देखते हो, ये आप देख सकते हो फ्लोएबिलिटी कितना आसानी से। तो आपको क्लीनिंग में भी ये इजी रहेगा, एप्लीकेशन में भी आसानी रहेगी। ये आप टाइल्स पे, मार्बल पे, स्टोन पे, ग्रेनाइट पे, सैंडस्टोन, सेंसिटिव स्टोन, किसी पे भी एपॉक्सी ग्राउटिंग कर सकते हो। एपॉक्सी ग्राउट वेट एरियाज नॉर्मली 100% वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको स्विमिंग पूल में, बाथरूम एरियाज में, टेरेस एरिया पे, बालकनी एरियाज में यूज करते हैं। किचन में जहाँ पे ऑयल स्टेन्स मार्क्स वगैरह आते हैं, इजीली आप क्लीन कर सकते हो, एसिड वॉश वगैरह इजीली कर सकते हो। तो आपको मिनिमम 3 mm का स्पेसर और एपॉक्सी ग्राउट। तो उसके बाद आपको क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग के लिए स्पंज को आप पानी में अच्छे से भिगा के फिर ऐसे राउंड 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 उसको क्लीन करना है, ठीक है। जब एप्लीकेशन करते हो तो 15 मिनट के अंदर आपको क्लीन करना है। जैसे आप एप्लीकेशन करके आते हो तो 15 मिनट्स के टाइम पे आपको राउंड राउंड लेके ऐसे क्लीन करना है। खाना ऑर्डर करो, ठीक है। फिनिशिंग देख सकते हो क्लीन करने के बाद, अच्छा है ना। और